फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना जायकेदार। मालती सेठी आज आपको केरला लेके जाने वाली है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलो केरला नहीं जाते हैं, केरला में है ये फील तो कर सकते हैं, क्योंकि आज हम केरला की मशहूर रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अवियल। अवियल की खासियत ये है कि इसमें ढेर सारी सब्जियां होती हैं और ये जीरो ऑयल रेसिपी है। वहाँ इसे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो हम भी आज कोशिश कर लेते हैं अवियल बनाने की। इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने पम्पकिन लिया है 200 ग्राम, इसको पील करके मैंने ये ऐसे टुकड़े में काट लिया है। ज्यादा बड़े भी नहीं, ज्यादा छोटे भी नहीं, आप चाहे तो इसे लंबे काट सकते हैं। सेम मैंने 200 ग्राम लौकी ली है, इसको भी पील करके साफ करके टुकड़ों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं, इसके भी मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए। ये मैंने दही लिया है खट्टा 1 बाउल। ये गीला नारियल है, इसको मैंने ग्रेट करके रखा है। ये चावल है 1 बाउल, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। ये मैंने जिंजर का एक टुकड़ा लिया है और 3 हरी मिर्ची। करी लीव्स ली है, थोड़ी ज्यादा लगती है इसमें। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, पानी इसका गर्म हो गया है। अभी हम इसमें ये तीनों सब्जियां इसमें डाल देंगे बॉईल करने के लिए। पम्पकिन डाला है, ये लौकी भी डाल दी है और ये आलू भी डाल देते हैं। थोड़ा नमक मिला लेते हैं ताकि ये जल्दी गल जाएगी। इसको प्रेशर नहीं लगाना है, हल्की सी बॉईल करनी है। ये लीड मैंने लगा दी गैस फास्ट। ये मैंने नारियल में जो मसाला पीस के रखा था ये मैंने मिला दिया है। इसको अच्छे से कड़छी से चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चावल पीस के रखे हैं वो। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं जाता है, दिस इज जीरो ऑयल रेसिपी। सब्जियां भी आप अपनी मनपसंद की डाल सकते हैं। ये मैंने चावल का पेस्ट जो पीसा था वो डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। गैस थोड़ी फास्ट कर लेती हूँ। ये हमारा अवियल बनके रेडी है, अच्छा टेस्टी खट्टा हुआ है। अगर आप ज्यादा खट्टा चाहते हैं तो आप नींबू ऐड कर सकते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।